हाँ देखिए, अब फिजिक्स का पेपर हम सॉल्व कराते हैं। ये हमारा देखिए यहाँ पे, मॉडल पेपर वन है जो कि हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट अपना ऑफलाइन कोचिंग में लेते हैं, उसका ये टेस्ट है। देखिए हम इसको ले चुके हैं ऑफलाइन में बहुत दिन पहले ही, लेकिन हम ऑनलाइन में अभी सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि आप लोग का पेपर भी बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, डेट शीट आ चुकी है, फरवरी से स्टार्ट है। तो यहाँ पे देखिए, इसका हमारा जो टेस्ट है, ये टोटल मार्क्स इसका 50 का है। ठीक है, मतलब हम जो ये पेपर हम अपने मन से बनाए थे, ये पूरा कहीं से पेपर उठाए नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं से हम पेपर इसका उठा लिए हैं कि ये कहीं अपलोड था उसकी हम कॉपी किए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके कोचिंग का नाम भी लिखा है, RSP स्टडी पॉइंट प्रैक्टिस टेस्ट 01 फिजिक्स का है, टोटल मार्क्स 50 है, क्लास ट्वेल्थ का है। ठीक है, अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो या इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले ये चैप्टर, आप पहले चैप्टर भी देख सकते हैं। चैप्टर इसमें लिखा गया है इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर वन जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अगर आप, ठीक है, आप NCERT पढ़ते हैं तब भी आपको यही लगेगा, अगर आप CBSE बोर्ड में हैं तब भी आपका यही है। ठीक है, UP बोर्ड से है, CBSE बोर्ड से है, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर पूरा यही रहेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Epsilon0? Epsilon0 की वैल्यू क्या होती है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Epsilon0 भी पढ़ते हैं। ठीक है, Epsilon0, नॉट को जीरो भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप सबको पता है, अगर आप पता है तो कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। और हम इसमें बताते हैं, ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है 8.85 × 10^-12। ठीक है, ये F/m जो है ये इसकी यूनिट है। ठीक है, किसकी, Epsilon0 की। अब देखिए सेकंड इसका ऑप्शन है 9.85 × 10^-12 है। ठीक है, ये सी ऑप्शन है 8.6 × 10^-12 और डी ऑप्शन है 3.8 × 10^-12। ठीक है, तो इसका हमारे हिसाब से जो इसका सही आंसर होता है Epsilon0 की वैल्यू, वो होता है 8.85, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं क्या है, चार्ज ऑफ यूनिट, यानी डायरेक्ट देखते हैं द यूनिट ऑफ चार्ज इज। ठीक है, आपका क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है, चार्ज की यूनिट क्या है, या द यूनिट ऑफ चार्ज, व्हाट इज यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे इसमें हम पूछे हैं द यूनिट ऑफ चार्ज इज, तो चार्ज की यूनिट कौन सी है। ठीक है, तो आपको बताना है चार्ज की यूनिट क्या है। ऑप्शन में क्या है, पहला एम्पियर है, दूसरा केल्विन है, तीसरा कूलम्स है, चौथा फैराड है। तो इसमें क्या है, जो चार्ज की यूनिट होती है वो ऑप्शन सी सही है, यानी कूलम होती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा, अगर आप लोग को देखने में दिक्कत है तो देखिए। ठीक है, इसका ये सही ऑप्शन है। अब देखिए तीसरा में क्या है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल मोमेंट पी इज, यानी इसमें आपको बताना है टॉर्क का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें टॉर्क का फॉर्मूला बताना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P.E। ठीक है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन में है P×E, सी ऑप्शन में है 0, या डी ऑप्शन में है E×P। ये जो स्टार बना है बीच में, ये क्रॉस का सिंबल है। ठीक है, आप लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, बिंदी लगती है जो कि पहले ऑप्शन में है P.E। ठीक है, और वेक्टर में क्या होता है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, वो स्टार लगता है, या जैसे इसमें क्या है, स्टार लगा दिए हैं, उसमें हम लगा देते हैं, अगर जो कट का सिंबल होता है उसको लगाते तो आप लोग कहते कि शायद ये इनटू का सिंबल है, तो है तो इनटू ही, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वो क्रॉस का सिंबल लग जाता है, जैसे गलत का सिंबल लगता है। ठीक है, तो वो लग जाता है, इसलिए यहाँ पे स्टार बना है, तो P.E जो है इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सपीरियंस, तो इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया था इसलिए उसको हटाना पड़ा हमें। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर जो है वो सही कर देते हैं, जो जो लगा था। ठीक है, नहीं तो आप लोग कहेंगे आंसर ही गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए फोर्थ में इसका पहला ऑप्शन है फोर्स एज वेल एज टॉर्क, उसके बाद फिर देखिए आप बी ऑप्शन में 0, और थर्ड ऑप्शन में है टॉर्क बट नो नेट फोर्स। ठीक है, डी ऑप्शन में है इक्वल, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है हमारा सी।
ठीक है, ये हमारा सी ऑप्शन जो है ये सही है, टॉर्क बट नो नेट फोर्स है। ठीक है, अगर आपको आ रहा है किसी का क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ इज ए मेटल इज। ठीक है, तो इसका मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप अगर आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ए ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी 0 है, ऑप्शन सी जो है इन्फिनिटी है, ऑप्शन डी -1 है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऊपर कर देते हैं। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। ये WB, यानी ए ऑप्शन में WB लिखा है, यानी वेबर होता है। ठीक है, WB का, तो आप देखिए ये हो गया हमारा वेबर की। ऑप्शन बी में क्या है, वोल्ट पर मीटर है, ऑप्शन सी में वोल्ट इंटू मीटर है, ऑप्शन सी में वोल्ट इंटू मीटर है, ऑप्शन डी में NC यानी न्यूटन पर कूलाम है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अगर आपको आ रहा है तो बताइए, नहीं तो हम बताते हैं इसका ऑप्शन सी सही है, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व शो फॉर ई, मतलब सबसे कम अमाउंट का चार्ज कितना हो सकता है। मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम तो पूछा नहीं है, मिनिमम पूछा है। तो ठीक है, इसका एक अमाउंट का चार्ज कितना हो सकता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है। ठीक है, ये जो एक डैश लगा है 10 के बाद, ये पावर का सिंबल है। जैसे यहाँ पे पावर नहीं लग रहा था किसी किसी क्वेश्चन में, तो इसको इस हिसाब से एडिट किया गया है। जो दूसरा डॉट लगा है वो माइनस है छोटा सा। ठीक है, जो बड़ा है वो पावर है, जो छोटा है वो माइनस है। कहीं कहीं पर देखते हैं आप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है हमारा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्स, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए 6.25 × 10⁻¹⁸ है, माइनस नहीं है। ये जो हमारा माइनस किस तरीके से दिख रहा है बड़ा सा डॉट, ये हमारा पावर की सिंबल है। ठीक है, ये 10⁻¹⁸ है। फिर सेकेंड ऑप्शन में है 62.5 × 10⁻¹⁸। फिर थर्ड ऑप्शन में 6.02 × 10⁻²। ठीक है, फिर डी ऑप्शन में है 1.6 × 10⁻¹⁹। तो इसका सही ऑप्शन जो है वह है हमारा ऑप्शन ए 6.25 × 10⁻¹⁸। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है, जो कि हमारा क्या है 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका 9 क्वेश्चन। वॉट इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पूछ रहा है। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट किससे करते हैं, टी से करते हैं कि पी से करते हैं, क्यू से करते हैं, एन से करते हैं, किससे करते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें ये जो हमारा टी डॉट क्यू डी लिखा है, ये ऑप्शन ए है, ये हमारा किसका होता है, टॉर्क में होता है। तो इसमें क्या है, ये नहीं होगा। सबसे पहले ऑप्शन बी में देखिए पी इक्वल टू क्यू डॉट डी है, तो ये सही तो आंसर है यही, क्योंकि डाइपोल को हम पी से डिनोट करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पी इक्वल टू क्यू डॉट डी होगा। ठीक है, बाकी ये क्यू इक्वल टू यानी वो हमारा चार्ज का फॉर्मूला है। ठीक है, हम जैसे उसमें क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, उसमें हम इसको लिखते हैं, ये हमारा फार्मूला उसका होता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है, जो कि ये MCQ के लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं लिखा क्या है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ईच ऑफ 2 μC, ये जो म्यू बना है ये माइक्रो है। ठीक है, माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 cm, डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम विल बी, मतलब इसको आपको कैलकुलेट करके बताना है कितना होगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट माइक्रो कूलम को आपको चेंज करना है किसमें, कूलम में। ठीक है, माइक्रो का क्या होता है, 10⁻⁶ होता है, उसको चेंज कर लेना है आपको डायरेक्ट, उसके बाद दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है।
तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन बी है। यहाँ से थोड़ा सा गलत लग गया है चिन्ह, हाँ ये ऑप्शन बी है। तो 6.0 × 10⁻¹ कूलाम इंटू मीटर, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम वेरी शॉर्ट टाइप्स, वेरी शॉर्ट टाइप्स के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, आल्सो राइट द नेम ऑफ सिंबल। मतलब इसका क्या करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स में जो फार्मूला लगता है दो चार्ज के बीच में, वो फार्मूला लिखना है आपको, और क्या करना है उसका सिंबल लिखना है। मतलब अगर फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, F=k Q1 Q2 / r² लगता है, तो k क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है और r² क्या है, ये सब आपको उसमें लिखना है। और उसका अगर आपको यूनिट आता तो यूनिट भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक नंबर का क्वेश्चन जो कि वेरी शॉर्ट का पहला क्वेश्चन है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द फार्मूला ऑफ गॉस लॉ। अब गॉस लॉ का फार्मूला आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो देखिए हम बताते हैं। फिलहाल इसमें आपको एक नंबर से ज़्यादा है, मतलब एक ही नंबर का क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन जो है, ये पूरा वेरी शॉर्ट एक एक नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा नहीं लिखने की ज़रूरत है। जितना पूछा आप सिर्फ उतने लिखिए, मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, ऐसा नहीं अगर फार्मूला पूछा है तो आप बताएंगे उसका गॉस थ्योरम होता क्या है या गॉस लॉ होता क्या है, उसके बाद फिर आप उसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपको। बस डायरेक्ट एक नंबर का है तो उसका फॉर्मूला पूछा, फॉर्मूला लिख दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है φe = q/ε₀ होता है। ठीक है, गॉस लॉ का फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं हम इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर ऑफ डिफरेंस शेप। मतलब ये क्या करना है, इसका चार्ज इंटेंसिटी फार्मूला लिखना है, चार्ज इंटेंसिटी का फार्मूला लिखना है जो कि होता है रो बाई, या ये आप कह सकते हैं उसका कई सारा फार्मूला होता है, आप हमको जो कि इसमें एक ही फार्मूला लिखना है और भी जो लिखना है उसको आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिलहाल हम बता देते हैं फार्मूला क्या होता है, σ/ε₀ होता है। ठीक है, इसका फार्मूला आप देखिए। इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, चार्ज q3q - 2q - q+2q + 2q³ are placed inside the Gaussian surface, what is the value of total electric flux related with surface। तो यहाँ पे बताना है आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, φe = q/ε₀ होता है। ठीक है, तो इसको आप क्या करना है, आपको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे आप देखिए, यहाँ पे इसको सबको क्या करना है, ऐड करना, टोटल पूछा है सबको जोड़ना है हमको, तो -2 है +2 है, इसको हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, या अगर हम प्लस भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्यू प्लस 3q तो ये हो जाएगा 4q, तो 4q / ε₀ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इसका 4q / ε₀। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन जो कि हमारा क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा राइट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन क्या जो कि है, इक्वेटोरियल पोजीशन का उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है, तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अब आप देखिए इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में यहाँ से हमारा क्या होता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया शॉर्ट में, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, तो आपको इसको लिख देना है इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसमें आप क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिखाना है। ठीक है, इसको आप लिख के उसके बाद एक फिगर बना सकते हैं, या ऐसा आप बता सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच में जो उसका होता है, यानी जैसे आप फिगर बनाते हैं Q1 Q2 इधर का, इधर एक Q कर दीजिए, इधर एक Q कर दीजिए, दोनों Q हो गया, उसके बीच में क्या होता है 2L होता है, तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, डाइपोल को P से डिनोट करते हैं, P = 2
क्यू एल होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप ऐसे लिख देंगे, उसके बाद ये हमारा पूरा डाइपोल कंप्लीट होगा। ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर हमको मिल जाएगा। जब हम इतना लिख देंगे तो हमको 3 नंबर मिल जाएगा। फिर आपको लिखना क्या है, यानी लिखना तो आपको इतना कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, एक्सप्लेन विथ नेसेसरी फार्मूला। अगर आप इसमें पूछा है कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या जानते हैं, उसका फार्मूला लिखिए, तो उसके बारे में लिख देना है, उसका फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि ये देखिए पूरा क्वेश्चन, इसमें कई सारा क्वेश्चन है। तो फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द चार्ज कैरिंग बाई 12.5 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है। अब हमको डायरेक्ट इसमें क्या करना है, फार्मूला लगा देना है। कौन सा फार्मूला, जो उसमें दिया गया था Q=ne वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्या दिया गया है, n की वैल्यू दी गई है। ठीक है, n की वैल्यू दी गई है, अब आपको q की वैल्यू निकालना है। तो e की वैल्यू आपको पता ही है, 1.6 × 10⁵। तो Q=, डायरेक्ट ये रखेंगे वो रखेंगे, माइनस मतलब कैलकुलेट कर देंगे, इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है आपको, और कुछ करने करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। Q=ne होता है। जैसे कि इसका फार्मूला होता क्या है, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, Q=ne होता है। ठीक है, Q=ne होता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, ये क्यू निकालना है आपको, क्यू कर देंगे। उसके बाद ये वैल्यू जो है ये हम रख देंगे किसकी, n की वैल्यू, क्योंकि ये n की वैल्यू दी गई है। e की वैल्यू हमको पता ही है, e की वैल्यू होती क्या है, 1.6 × 10⁻¹⁹ होती है। ठीक है, 10⁻¹⁹ होती है, ये डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा, हमारा आएगा कितना, ठीक है, इतना जब हम सब कर देंगे तो हमारा आएगा जो, वो आ जाएगा 20 × 10⁻¹⁹ आएगा। ठीक है, 20 × 10⁻¹⁹ आ जाएगा। तो -1 की जो पावर है, इसको हम पॉजिटिव करने के लिए एक पॉइंट इधर बढ़ाएंगे। जैसे अगर पॉइंट हम यहाँ पे है ना, अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 20.0 × 10⁻¹⁹ कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हम पॉइंट को इधर शिफ्ट करने के लिए, ये हमारा जो इधर माइनस है ये पूरा हट जाएगा, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, ये हो जाएगा 2 कूलाम। हमारा था क्या, इसके पहले जो लिखा था, आप सोचेंगे डायरेक्ट 2 कूलाम कैसे आ सकता है, तो यहाँ पे था 20 × 10⁻¹⁹ था, 10⁻¹⁹ था। ठीक है, तो ये हमारा था। अब इसको हम क्या कर दिए, ये पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिए हम, तो ये जीरो इधर जाएगा, तो ये हमारी जो पावर है ये हट जाएगी, ये पावर जो है ये हट जाएगी 10⁻¹⁹। तो डायरेक्ट हमारा बचेगा कितना, पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया तो आया कितना, 2 ही तो बचा, पॉइंट यहाँ शिफ्ट है। अब इसके बाद कितना भी जीरो हो जाए उससे नहीं मतलब है, जीरो हम काउंट नहीं करते हैं पॉइंट के बाद, तो ये हमारा हो जाएगा 2 कूलाम। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा पूरा क्वेश्चन, किसका, उसका हो गया मतलब शॉर्ट का फोर्थ क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा इधर करते हैं पेपर को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपको इसमें क्या करना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन कर देना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑफ होता क्या है, उसका फॉर्मूला लिख देना है, Q=ne वाला, जो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट अभी हम लगा के दिखाए थे आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं लॉन्ग का जो है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, एनी 4 करना है, यानी इसमें से जो 5 क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको सिर्फ एनी 4 करना है, मतलब इसमें से आप कोई भी 4 कर सकते हैं। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि 1, 2, 4 ही करना है, 5 नहीं करना है, आप कोई भी 5 कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जिस हिसाब से आप चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। हाउ कैन यू, पहला क्वेश्चन जो हमारा कहता है वो कहता है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विद आउट टचिंग इट। यानी हमारा इसमें कहना है कि मेटल स्फीयर को हम चार्ज कैसे करेंगे विदाउट टचिंग, और उसको हम क्या चार्ज करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है, निगेटिव नहीं करना है, उसको पॉजिटिव चार्ज करना है, किसको, मेटल स्फीयर को, विथिंग टचिंग, मतलब बिना टच कराए, विदाउट टचिंग, हम बिना उसको टच कराए कैसे सॉल्व, मतलब उसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमें चार्ज करने के लिए डायरेक्ट हमें लिखना पड़ेगा।
उसको हम क्या करते हैं, स्टेप बाई स्टेप लिखते हैं कि पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, पूरा हमारा नॉर्मल स्पेयर होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक रॉड लेके आते हैं, नेगेटिव रॉड लेके आते हैं उसके पास, तो वो हमारा क्या होता है, फिर उसमें पोलराइज हो जाता है कि पॉजिटिव किधर है कि नेगेटिव किधर है। जब नेगेटिव रॉड लाएंगे मेटल स्पेयर के पास तो पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो वो दोनों सेपरेट हो जाता है, यानी पोलराइज हो जाता है कि एक अलग इधर अलग हो जाएगा, नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव एक साइड हो जाएगा। फिर ये हमारा पहला स्टेप होता है। दूसरे स्टेप में हम ऐसे क्या करेंगे, फिर जो निगेटिव अलग हुआ यानी क्या, वो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव दूर जाएगा, तो उससे हम क्या करते हैं, एक अर्थिंग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो हम तीसरे स्टेप में अर्थिंग कनेक्ट कर देंगे, चौथे स्टेप में क्या होगा, वो जो माइनस इलेक्ट्रॉन्स वाला चार्ज है यानी निगेटिव है, वो सब हमारा अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है, उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब हमारा उस पर क्या बचा, मतलब पॉजिटिव चार्ज बताया मेटल स्पेयर में। फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे हम, पूरे में वो क्या हो जाएगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी तो एक साइड में था ना, एक साइड पॉजिटिव था एक साइड नेगेटिव था, तो पॉजिटिव एक साइड था, अब ये क्या होगा, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पूरे में जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसके क्या करेंगे, हम जो रॉड लेके आए थे ना मेटल स्पेयर एक नेगेटिव चार्ज करके, वो नेगेटिव चार्ज भी हटा लेंगे, तो हमारा लास्ट में फाइनल क्या होगा, वो पूरा मेटल स्पेयर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम उसको लिख सकते हैं। ये तो हम बता दिए किस स्टेप में करना है आपको, वो क्वेश्चन जो है हमारा स्टेप वाइज स्टेप करना है, तो ये हमारा स्टेप होगा। लेकिन आपको लिखना भी उसी प्रकार से है कि इस स्टेप में क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा आपको दर्शाना है कि यहाँ इस स्टेप में हम क्या किए हैं, उसके बाद वाले स्टेप में क्या करेंगे, ठीक है। ये सब पूरा आपको लिख देना है। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2C एंड -1C सस्पेंसेड बाय अ डिस्टेंस 4 मीटर इन एयर। मतलब क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो दिया गया है 2 कूलम, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मैग्नीट्यूड नहीं है, ये चार्ज दिया गया है, दो चार्ज दिया गया है, एक 2 कूलम्स का चार्ज है, एक -1 कूलम्स का चार्ज है। इसका जो डिस्टेंस है वो दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको फार्मूला क्या लगाना है, डायरेक्ट फार्मूला आपको रख देना है भाई, एफ इजिक्वल टू क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उत्तर कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फार्मूला क्या लगेगा, एफ इजिक्वल टू के, इसको इरेज करते हैं पहले, फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, हमको इसमें क्या क्या दिया गया है, देखिए ये जो है 2 कूलम, ये Q1 चार्ज हो गया, और ये -1 कूलम, ये Q2 चार्ज हो गया, आर स्क्वायर ये हमारा सीधा दिया गया है 4 सेंटीमीटर। इसको जब हम इतना कर देंगे तो डायरेक्ट हमें के की वैल्यू पता ही है। आपको के की वैल्यू नहीं पता है, सबको पता है के की वैल्यू होती क्या है, इसमें आपको सबको पता है, ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं के की वैल्यू क्या होती है, के इज इक्वल टू 1/1 सेकेंड, के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। ये हमारा के की वैल्यू होती है, जिसको हम फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसका वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल टू 9.8 × 10⁻¹, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है, डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब आप इसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे पूरा आ जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, राइट द गॉस थ्योरम, पूरा आपको गॉस थ्योरम बताना है, उसको ड्राइव करना है, क्या होता है गॉस थ्योरम और कैसे काम करता है, या क्या भी होता है, जो भी होता है गॉस थ्योरम, आपको उसको ड्राइव करना है। हम बता देंगे इसका आंसर, हम पूरा PDF बना के दिए हैं, उसको आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम अगर आप अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको मिल जाएगा पूरा पेपर सॉल्व करके, पूरा रिटर्न नोट्स मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा। अभी हम आपको लोग को लास्ट में दिखा भी देंगे कैसे लिखा जाएगा पूरा। आपको, आप लोग के दिमाग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही रहता है कि हम पेपर को कैसे सॉल्व करें कि हमारा क्वेश्चन छूटे ना, हमारी अंडरलाइन भी हो जाए पूरा, जो टिक करते हैं पूरा आराम से एकदम अच्छे से टिक वाला भी हो जाए, वेरी शॉर्ट भी हो जाए, शॉर्ट भी हो जाए, लॉन्ग भी हो जाए, प्रॉपर कॉपी भी सजा लें जैसे हम लाइनिंग वाइलिंग करते हैं, ये सब हम पूरा कर लें। और कैसे कितने किस क्वेश्चन में कितना गैप करना है, किस पेज पे कितना करना है, कितना लाइन का क्वेश्चन लिखें, ये सब हम अभी आपको लास्ट में दिखा देंगे कि कॉपी कैसे लिखी जाती है और कॉपी आपको वैसे लिखना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है उसके बाद लाइन खींच दिए गया, ठीक है। ये सब हम आपको लोग को अभी लास्ट में दिखाते हैं कॉपी कैसे लिखा जाता है। सबसे ज़्यादा हम लोग के दिमाग में यही क्वेश्चन चलता है, कॉपी कैसे लिखें या
जो एग्जामिनर होता है वो कैसे प्रभावित होगा कि हमको ज़्यादा नंबर दे, तो वो वही होता है कॉपी लिखने का पैटर्न, कैसे आपको अच्छा तरीके से लिख सकते हैं कि उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं कि कॉपी में अपने कि नहीं, जैसे एग्जामिनर जो चेक कर रहा है वो देखेगा तो आपके कॉपी से आकर्षित होता है कि नहीं, हाँ इसकी अच्छा लिखा है, इसको अच्छा नंबर मिलना चाहिए, तो वो आपको अच्छा नंबर देगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप, अभी हम कॉपी आपको दिखाते हैं लास्ट में, ठीक है। और नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर पूरा अपलोड किया गया PDF, ठीक है, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अब देखते हैं हम इसका फोर्थ क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड गिवन इट्स यूनिट। इस क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, उसके बाद इसकी यूनिट भी लिखना है, ठीक है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी उसमें पीड इंसुलेटर, डिफाइन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसमें क्या करना है आपको, दोनों को डिफाइन करना है, कंडक्टर होता क्या है और इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है, ये आपको क्या करना है, डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो हमारा पूरा पेपर जो है वो सॉल्व होता है, पूरा पेपर हमारा सॉल्व हो गया। आप पेपर फिर से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से देखिए पूरा, हम अभी तक जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, जैसे कि कई कई लोग हैं ना, थोड़ा सा लेट में उनको नोटिफिकेशन मिला होगा, तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर देख सकते हैं, ये पूरा पेपर है। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि मतलब ये तो हम जानते हैं लेकिन आप लिख नहीं पाएंगे, थोड़ा सा इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिख के याद करें तो आप लिख सकते हैं पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है कि आप पेपर में लिख सकते हैं, अच्छा करेंगे, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, अच्छा पूरा 95% गेन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो उसको आप लोग को गेन करना, पूरा ये सारा क्वेश्चन है इसको आप लोग याद कर लीजिए, पूरा लास्ट में हमारा पूरा पेपर ये सॉल्व होता है, फिर लास्ट में बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा कर सकते हैं और करेंगे, हमें ये पूरा विश्वास है, ठीक है। तो चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए फिर, अच्छा हाँ एक मिनट, कॉपी दिखाते हैं आप लोग को, एक मिनट कॉपी दिखाना है, हमने कहा था अभी। तो चलिए फिर, जैसा कि कॉपी हमको थोड़ा अभी मिलने में देर हो रही है, इसलिए हम लाइव को यहीं पे बंद करते हैं, और हम आप लोग को उसके लिए बता देंगे, एक नई वीडियो, सेपरेट वीडियो डाल देंगे कि आपको कॉपी कैसे लिखना है और प्रेजेंटेशन आपको कैसे करना है उसमें, ठीक है, किस क्वेश्चन को कितने लाइन में करना है, किस क्वेश्चन में कितना टाइमिंग देना है, ये सब हम आपको मैनेज करना बता देंगे, ठीक है। लास्ट में आप उसके लिए परेशान ना हो, ये बिल्कुल, आप पूरा चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो चलिए फिर, इसी प्रकार से हम लोग ऐसा नहीं है, इसी प्रकार से हम लोग डेली लाइव आते रहते हैं, डेली लाइव आते हैं, डेली आपको लिए वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोग वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, जैसा आप इसको शेयर करेंगे उसी हिसाब से आपके दोस्त का भी और आपका भी पता चल जाएगा कि मतलब हाँ इसको हम, जैसे आप कहते हैं ना, दोस्त लोग होते हैं ना लास्ट में मिलते हैं, कहते हैं यार तुम पढ़ लिया हमको बताए नहीं, तुम्हारा इतना परसेंट आ गया, तो सबको बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ेगा, वो याद करेगा, तो वो भी अच्छा करेगा, ठीक है। तो सब लोग आप पढ़िए और एक दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इस वीडियो को बंद करते हैं, बाकी हम मिलेंगे आपको कल इसी नेक्स्ट टाइम पे, यानी सेम टाइम पे कल मिलेंगे हम आपको, ठीक है। बाकी हम कल देखते हैं, बायो की क्लास लेते हैं कि फिजिक्स की लेते हैं कि और किसी हिंदी उन्दी का लेते हैं, जो लेना होगा हम आपके लिए नोटिफिकेशन भेज देंगे, जैसे लाइव आते हैं ना तो लिख देते हैं ना अपकमिंग में, पूरा हम थंबनेल पेज लगा के उसको अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आप लोग परेशान ना होइए, बस आप इस सेम टाइम पे जुड़ जाइएगा कल भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।